आज हम आपको गुणाकर मुले का वैज्ञानिक लेख शनि सबसे सुंदर ग्रह की एक व्याख्या बताएंगे। शनि को सनेश्चर भी कहते हैं। आकाश के गोल पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है, इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे सनेचर नाम दिया था। सनेचर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला, लेकिन बाद के लोगों ने इसे सनेश्चर को शनिचर बना डाला। शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूहें कांपने लगती हैं। फलित ज्योतिषियों की पोथियों में इस ग्रह को इतना अशुभ माना गया है कि जिस राशि में इसका निवास होता है उसके आगे और पीछे की राशियों को भी यह छेड़ता है। एक बार यदि यह ग्रह किसी की राशि में पहुंच जाए तो फिर 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं। प्रस्तुत अवतरण गुणाकर मुले द्वारा लिखित वैज्ञानिक लेख शनि सबसे सुंदर ग्रह से उद्धृत है। इसमें शनि ग्रह को लेकर प्रचलित अंधविश्वास पर आक्षेप किया गया है। लेखक कहता है कि शनि को संस्कृत के विद्वान सनेश्चर नाम से भी पुकारते हैं। इसका आशय यह है कि हमारे सौर मंडल के गोलाकार आकाश में शनि ग्रह अत्यंत धीमी गति से चलता दिखाई देता है। प्राचीन काल के खगोल शास्त्रियों तथा ज्योतिषियों ने इसी कारण इसे सने अर्थात धीरे से चरय चलने या परिक्रमण करने वाला अर्थात सनेचर नाम दिया था। सनेचर का संधि करने पर सनेश्चर बनता है तथा शब्द अर्थ होता है धीमी गति से चले अर्थात मंद गति से चलने वाला ग्रह। लेखक कहता है कि इस सनेश्चर को बाद के लोगों ने अथवा सामान्य अशिक्षित जनता ने शनिचर या शनिचर नाम दे दिया। लोक समाज में शनिचर को अशुभ ग्रह माना जाता है तथा अंधविश्वासी लोग इसका नाम लेते ही भय से कांपने लगते हैं। जो लोग भाग्य में ग्रह दशाओं के प्रभावों पर अंधविश्वास रखते हैं वे शनि ग्रह को कष्टदायी मानते हैं। फलित ज्योतिष से संबंधित पोथियों में इस ग्रह को अशुभ माना गया है। उनमें बताया गया है कि यह ग्रह जिस राशि में बैठता है उसके आगे और पीछे की राशियों को भी प्रभावित करता है। एक बार यह किसी की भी राशि में पहुंच जाता है तो 7.5 साल तक उसे कष्ट देता रहता है। इस अवतरण में विशेष बात यह है कि ज्योतिष में शनि ग्रह की दशा 7.5 साल तक मानी जाती है, जो कि 2.5 साल के क्रम से शरीर के हिस्सों को व्यापती है। इससे शारीरिक व मानसिक कष्ट मिलते हैं, ज्योतिषियों की यही मान्यता है। इसी कारण लोक जीवन में शनि को अशुभ ग्रह माना जाता है।